नेता लोग जो यहाँ आए हैं कह रहे हैं कि निकाल देंगे हम। कब निकालेगा? जब वो खराब हो जाएगा तब निकालेगा। हमे तो इतने टा कहे छे कि मरलो कंटा मुंह देखा दीदी। चार दिन से न घर जा छिए न इन्ने जा छिए। ये जाओ तुम मुक्ता नाम बैठलो छिए भूखलो। जैसे पप्पू यादव जी आए हैं भरोसा आश्वासन देखे गए विफल हो गया। पप्पू यादव आए देखे ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन करते हैं। काली दबाए 5 बजे से निकालबा है। 5 बजे गेले 5 बजे से निकालिए रहल छे। मैडम आश्वासन का ये लोग भरोसा नहीं कर रही है, क्या कहिएगा? नहीं जब तक मलबा से सब नहीं निकलता है। हमरा जाति है पुलन चल गेल छे। 4 दिन से सब को भूखलो पियासलो छोटो छोटो बच्चा ले के पढ़लो छे। कोई सुनवाई बाबू ने 4 दिन से पड़े हुए हैं। 4 दिन से न घर जा छिए न इन्ने जा छिए। ये जाओ तुम मुक्ता नाम बैठलो छिए भूखलो। अभी यहाँ पे पूर्व विधायक जी आए हुए हैं और चेयरमैन साहब आई हुई है। कोई यहाँ पे आश्वासन मिला आपको? आज दीदी लोग अलो छे काल खुना पप्पू बाबू अलो रहे मुनीटा अलो छे दो आदमी। यादव जी जो आए थे कुछ नहीं कुछ कोई राहत सामग्री नहीं कल कई निकाली दबे 5 बजे से निकालबे है। 5 बजे गेले 5 बजे से निकालिए रहल छे। हमरा जात का देखिए रहल छिए। मतलब पप्पू यादव जी आए वादा करके गए लेकिन काम नहीं कर रहे। एगो एगो जान लगा देना छे ताकै छिए। कोई सुनवाई नहीं छे बाबू। 5 बजे कोई सुनवाई ना। मैडम आश्वासन का ये लोग भरोसा नहीं कर रही है, क्या कहिएगा? नहीं जब तक मलबा से सब नहीं निकलता है तो भरोसा तो लायक नहीं है क्योंकि 4 दिन से इनको देखिए 4 दिन से चार दिन से उनको भरोसा दिया जा रहा है लेकिन अभी रात पर कार्य हो नहीं रहा है। अभी एसडीओ साहब से बात किए कि जो मशीन यहाँ पर आया था वो मलबा को काट रहा था लेकिन वो मशीन काम नहीं किया। बड़ा वाला मशीन 5 बजे रात्रि तक में आ जाएगा, उसके बाद काटेगा, नहीं आएगा तो फिर आएंगे हम लोग। अच्छा कब तक में अंदाजा है कि निकल जाएगा इनका सब बाहर? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मशीन आने के बाद ही ना, अगर ये फ्री रहता मलबा के अंदर नहीं रहता तो सिर्फ पानी रहता तो हम लोग अंदाज लगा सकते थे। चारों तरफ से हम लोग एनडीआरएफ की टीम खोज लेती है मलबा भारी है इसलिए मशक्कत करना पड़ रहा है। मलबा के बाद एनडीआरएफ की टीम बोला कि एनडीआरएफ के टीम के जो हेड हैं बोले कि जहां पर वो सब है वहां जाने पर हम लोग भी वहीं रह जाएंगे, आ नहीं सकेंगे, इसीलिए उसको काट के हटाना पड़ेगा तभी वो निकल सकता है। वो जाके देख लिया है एनडीआरएफ की टीम। अच्छा मतलब सब वहाँ पे देख करके वापस आ गया है। वापस आ गया लेकिन दबा हुआ है इसलिए वो मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। अगर और हम उसमें प्रयास करेंगे तो हम भी वहीं रह जाएंगे। तो मशीनरी वगैरह कब तक यहाँ आ जाएगा? कहा कि रात तक में आ जाएगा। आज रात तक में आ जाएगा बोला। जैसे पप्पू यादव जी आए हैं भरोसा आश्वासन देखे गए विफल हो गया। पप्पू यादव आए देखे ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन करते हैं। पप्पू जी क्या कहे मान्य देखिए हम इनके गांव के हैं, इनके परिवार हैं, स्थानीय हैं। मेरा कर्तव्य बनता है सिर्फ भरोसा नहीं देना है, कार्य को अंजाम भी देना है। और आप लोग 4 दिन से क्या हो रहा था नहीं हो रहा था लेकिन अब क्या होगा इसके लिए सोचिए आप। चलिए ये आश्वासन मिला कि अब जो होगा जो भी होगा बढ़िया होगा और सबको बाहर निकाला जाएगा। आश्वासन दे के जाने वाले लोग नहीं है, धरातल पर कार्य के उतरने वाले लोग, कार्य को अंजाम देने वाले लोग है ना। हम नेता नहीं है, यहाँ का सेवक है। और ये लोग जो पीड़ित परिवार हैं उससे हम दुखी हैं और पीड़ित हैं कि हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं और निकलवा नहीं पा रहे हैं। हम लोग मैडम इंतजार करेंगे, पीड़ित भी इंतजार करेंगे कब तक आप जो कर रहे हैं ये सफल होता है, सब मिलकर के सफल बनाएंगे। क्या कहेंगी कब कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है? दीदी देखिन लिए बचबार का सब बच्चा के देख के देखिन लिए कम से ओकरा कोई उपाय छ हमे छिए हमे हमे हमार उसके लिए लड़ाई खाय पर छिए हमे पर्याप्त व्यवस्था कर। हमे इतने टा कहे छिए कि मर लो कंटा मुंह दिखाई दिए अपने अरहिन अपना यार से होते हमरा आर का कुछ छ सकते हो जे अपना जो चाहबे तो तुरंत निकलते है अपना के जहाँ हो जाते अथी तक मरलो मुंह दिखाई दिए। 4 दिन आज बीत गया है। 4 दिन बीतने के बाद जो है ना सबको अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। आश्वासन दिया जा रहा है कि मशीनरी मंगवा करके कटिंग करवा करके पाया को हटाया जाएगा और इतना बड़ा पिलर को हटाया जाएगा। हटाने के बाद जो है बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पे पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, इनसे हम बात करेंगे। आप लोग कौन है पीड़ित परिवार के? कौन है आप?
अच्छा पीड़ित परिवार के आप कौन है? पत्नी है। अच्छा उनकी पत्नी है आप। यहाँ पे अभी विधायक जी आए हुए थे, यहाँ पे चेयरमैन साहिब आई हुई थी, जिला परिषद के प्रतिनिधि आए हुए थे। उनका कहना है कि आज रात में मशीन आएगा, इसके बाद काट के बाहर निकाला जाएगा। दबाने का प्रयास किए हैं, दबाने का प्रयास किए हैं। कौन जाएगा? सबूत मिल जाएगा। कौन कौन? सरकार सिंगला। हाँ सिंगला जो कंपनी चला रहा है वो दबने के लिए प्रयास कर रहा है कि लहास दबा देंगे तो कुछ निराकरण नहीं होगा। नेता लोग जो यहाँ आए हैं कह रहे हैं कि निकाल देंगे। हाँ कब निकालेगा? जब वो खराब हो जाएगा तब निकालेगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा, दो दिन के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। चार दिन बीत चुका है अभी। चार दिन बीत गया है, वो कैसे करके टाइम पास कर रहे हैं कि टाइम पास हो जाएगा, लहास नहीं मिलेगा। अच्छा टाइम पास लोग कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अभी जो यहाँ पे नेता लोग आए हुए हैं, मंत्री लोग, यहाँ चेयरमैन आई हुई है, जिला परिषद सदस्य आए हुए हैं, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, इनका इनका कोई गलती नहीं है। टोटल कंपनी जो करवा रहा है ये कर रहा है, गलत करवा रहा है। कंपनी का गलती है? कंपनी गलती है, कंपनी का गलती है। चलिए आश्वासन दिया जा रहा है कि मशीन रात में आएगा, खोद के निकाला जाएगा। बाकी यहाँ पे पूर्व विधायक जी आए हुए थे, चेयरमैन साहिबा आई हुई थी और जिला परिषद के प्रतिनिधि आए हुए थे। कहाँ तक काम होता है ये देखने वाली बात है, हम इंतजार करेंगे, बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। कैसा लगा वहाँ प्रयास? और जो यहाँ पे नेता लोग अपना अपना बात को रखे, उन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि काम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? एसपी सिंगला प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये पहला बार नहीं, दूसरा बार भी पुल गिर चुका है, तीसरा बार भी गिरेगा अगर इस पे बनेगा तो। इन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत